राजा भैया के राज घराने का अनोखा किस्सा, वो हादसा जिससे राजा भैया की तीन पीढ़ियां हुई शिकार, राजा भैया की रॉयल फैमिली का अनसुना किस्सा, बहुत कम लोग जानते हैं तूफान सिंह की कहानी। सियासत की जमीन में कई बड़े सूरमा हुए जिन्होंने अपना कद इतना बड़ा किया कि पूरा देश उन्हें जानने लगा। इन्हीं में से एक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। साल 1993 से शुरू हुई राजा भैया की सियासत जनता से शुरू होती है और जीत लेकर ही दम मानती है। प्रतापगढ़ की भद्री रियासत में 31 अक्टूबर 1967 में जन्मे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजा भैया का एक नाम तूफान सिंह भी है। राजा भैया के दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह का भी बड़ा नाम था, लेकिन राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह का मानना था कि अगर उनका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो उसके अंदर से राजाओं वाली ठसक खत्म हो जाएगी। हालांकि राजा भैया की मां को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने पति को बिना बताए राजा भैया का दाखिला इलाहाबाद के एक स्कूल में करा दिया। भद्री रियासत से आने वाले राजा भैया और उनके पिता राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। कुंडा के विधायक और भद्री राजघराने के वारिस राजा भैया का राजशाही ठाट और शौक भी कम नहीं है। घुड़सवारी, शूटिंग और माइक्रो एयरक्राफ्ट उड़ाने का शौक उन्हें विरासत में मिला है। एक इंटरव्यू में राजा भैया ने अपने राजघराने का एक अनोखा किस्सा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके राजघराने की तीन पीढ़ी एक हादसे का शिकार होती रही है। राजा भैया के मुताबिक आजादी से पहले हिंद फ्लाइंग क्लब और अवध फ्लाइंग क्लब दादा ने स्थापित किया था। इसी जगह पर आज अमौसी एयरपोर्ट है। उनके दादा ने जब देश आजाद हुआ था तो एयरक्राफ्ट से ही पैम्फलेट ड्रॉप कर गांव वालों को झंडारोहण के लिए एक जगह इकट्ठा किया था। उनके दादा दादी और पिताजी ट्रेंड पायलट रहे हैं और वो भी माइक्रो एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। राजा भैया ने बताया था कि उनके राजघराने की तीन पीढ़ी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है। उनके दादा, पिता और वो एयरक्राफ्ट क्रैश के शिकार हुए हैं। ये भी एक अनोखा इतिहास है कि तीनों पीढ़ी क्रैश में बच गई और मामूली चोट ही आई। राजा भैया बताते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में जान का खतरा रहता है, लेकिन एडवेंचर का मतलब ही है साहसिक काम। जब वायरल हुई थी राजा भैया के एयरक्राफ्ट क्रैश की खबर, राजा भैया और पायलट ने कूद कर बचाई थी जान। कहा जाता है इस हादसे में राजा भैया हुए थे घायल। इस हादसे को राजा भैया ने बताया था अफवाह, कहा था प्रतापगढ़ में आंवला और अफवाह बहुत फेमस है। कहा जाता है कि 2009 में राजा भैया के एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई और बताया गया कि राजा भैया ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। इस हादसे में पायलट और राजा भैया दोनों घायल हुए थे। हालांकि रात हो जाने की वजह से महल में किसी का भी आना जाना प्रतिबंधित था। लेकिन महल के बाहर राजा समर्थक जुटे तो उन्हें निजी सचिव के जरिए राजा भैया के ठीक सेहत की जानकारी दी गई थी। हालांकि महल के अंदर किसी को एंट्री ना मिलने से इस अफवाह को काफी बल मिला। लेकिन जब राजा भैया ने लोगों से मुलाकात की और अपने बिल्कुल ठीक होने का हवाला दिया तो जनता और उनके समर्थकों ने नारे लगाकर उनकी जय जयकार की।